नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल लाइफ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम अपने YouTube चैनल पर लाइव तो आते हैं लेकिन हम वर्टिकल में आ जाते हैं जो कि शॉर्ट फीड में जाता है, और हम चाहते हैं कि हम लाइव आएँ हॉरिजेंटल में, लैंडस्केप में आएँ, ना कि वर्टिकल में आएँ। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? वैसे आपने कई प्रयास करे लेकिन वो वर्टिकल में ही हो जाता है, तो हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि आप लैंडस्केप मोड में किस तरीके से लाइव आ सकते हैं, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं हम अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में और आपको स्टेप बाई स्टेप हम समझाते हैं। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है यूट्यूब एप्लीकेशन, उसके बाद में आपको नीचे इस तरीके से नोटिफिकेशन बार को स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऑटो रोटेट का जो ऑप्शन होता है इसे आपको कर लेना है इनेबल, ठीक है। हो सकता है कुछ और नाम से हो जिससे आप फ़ोन को रोटेट करते हैं तो डिस्प्ले ऑटोमेटिक रोटेट हो जाती है, इस ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको करना क्या है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शन हैं, बट हमें यहाँ पर लाइव वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम दोस्तों लाइव वाले ऑप्शन पर आएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हॉरिजेंटल में हो गया है। अब हमें मिल जाता है पेंसिल का ऑप्शन, तो सिंपल हम पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारे चैनल का नाम आ रहा है, नीचे यहाँ पर हमारा टाइटल आ रहा है, तो जो भी ए टू जेड आप टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं तो हम इसे चेंज नहीं करते हैं, वैसे यही आएगा शुरुआत में आपका टाइटल, आपके चैनल का नाम आगे इज लाइव होगा। उसके बाद आपको अनलिस्टेड का ऑप्शन मिल जाता है, इसे आपको पब्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से बैक हो जाना है, जो नीचे वाला ऑप्शन है नो इट नॉट मेड फॉर किड पर सेलेक्ट है, तो आपको इसी को रखना है, ठीक है। नीचे जो एज रिटेक्शन है ये नो डोंट रिटेक्शन माई वीडियो वीवर ओवर 18, इसे नीचे वाले पर ही इसको भी रखना है। अब यहाँ से आपको आ जाना है बैक, नीचे आप जो अगर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ भी ए टू जेड जो भी रिक्वायर्ड हो, हैशटैग वगैरह आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। लोकेशन चाहें तो आप यहां पर डाल सकते हैं, कोई इतना ज़रूरी नहीं है लोकेशन डालने की। बाकी यहां पर आपको स्क्रीन कॉस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद में आपको मिल जाता है शेड्यूल फॉर लेटर का, तो अगर आप स्क्रीन कॉस्ट करना चाहते हैं कोई गेम वगैरह की तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते, ठीक है। शेड्यूल फॉर लेटर तो ये आप बाद में लाइव करें तो उसके लिए हो जाता है। एडवांस सेटिंग यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा अलाउ चैट का ऑप्शन, इसे इनेबल रखें। अलाउ रिएक्शन इसे भी इनेबल रखें। नीचे वाला जो है इसे आप ऑफ ही रखें। ये पेड प्रमोशन अगर आप करते हैं किसी वेबसाइट एप्लीकेशन का या किसी का तो इसे आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब आपको कर देना है नेक्स्ट। अब जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो ये कुछ इंटरफेस इस तरीके का आ गया है, ये हमारा रेडी है यहाँ पर लाइव के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें लगाना है अपना थंबनेल। तो यहाँ पर हमें पेंसिल का ऑप्शन मिल रहा है, एडिट सेटिंग तो हम कर ही चुके हैं। थंबनेल अगर चाहें तो आप टेक थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो जो फोटो आपका सामने से आ रहा है वही ये कैप्चर कर लेगा, यही थंबनेल में लगा देगा। तब नीचे आपको करना है अपलोड थंबनेल पर क्लिक, और यहाँ से कोई भी एक थंबनेल आपको ले लेना है जो कि आप अपनी वीडियो पर लगाना चाहते हैं उसे आप लगा सकते हैं। तो चलो हम कोई यहाँ पर एक थंबनेल ले लेते हैं और लगा लेते हैं। अगर आपने कोई थंबनेल क्रिएट कर रखा है अपने लाइव आने के लिए तो उसे ही आपको ऐड कर लेना है। तो हमने यहाँ पर एक थंबनेल पहले का पड़ा हुआ है उसे ऐड कर लेते हैं, इस तरीके से ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोड में, और गो लाइव वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर गो लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फाइनली इस तरीके से हम आ जाते हैं लाइव। तो आप इस तरीके से अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।